Hey guys, welcome back to my channel. आज हम यहाँ पे बात करने वाले boAt Airdopes 421v2 versus Probuds 2 by लावा. यहाँ पे इन दोनों का complete comparison करने वाले हैं और साथ में मैं आपको अभी भी बता देता हूँ कि इन दोनों का particular अगर आप unboxing video देखना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी जो लिंक है वो मैं रख दूंगा, तो आप वहाँ से डायरेक्ट इन दोनों के पर्टिकुलर अनबॉक्सिंग वीडियो देख सकते हो और वहाँ पे भी आपको साउंड एक्सपीरियंस वगैरह भी देखने को मिल जाएगा. फिलहाल हम यहाँ पे इन दोनों के फीचर्स एंड बिल्ड एंड क्वालिटी वाइज इसका कंपैरिजन शुरू करते हैं. इन दोनों ईयरबड्स के बिल्ड एंड क्वालिटी के बारे में बात करें तो ऐसे चार्जिंग केस का कंपैरिजन करें तो भाई आपको यहाँ पे Probuds 2 काफी कॉम्पैक्ट देखने को मिल जाते हैं, जबकि ये थोड़ा सा हैवी और कॉम्पैक्ट डिजाइन आपको नहीं मिलती है. लेकिन कॉम्प्रोमाइज करना जरूरी है कि इसके अंदर आपको जो मॉन्स्टर बैटरी भी मिलती है और इसके साथ साथ इसका जो ईयरबड्स है इसका लुक भी आपको इस ईयरबड्स के लुक से थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिल जाता है. और साथ में आपको यहाँ पे ये जो ईयरबड्स है वो आपको यहाँ पे मैग्नेटिक ईयर हुक के साथ देखने को मिलता है. इसके साथ इसके विदाउट आप इसका यूज़ भी कर सकते हो और इसके ईयर हुक के साथ भी आप इसका यूज़ करते हो तो काफ़ी सिक्योर ये ईयरबड्स फिट हो जाते हैं. जबकि ये जो ईयरबड्स है वो आपको थोड़ी सी माइंड में प्रॉब्लम रहे कि अदरवाइज ये भी काफ़ी सिक्योर फिटी ईयरबड्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं. दोनों के फिनिशिंग के बारे में बात करें तो दोनों के अंदर आपको मैट फिनिशिंग देखने को मिल जाती है और दोनों ये ईयरबड्स के अंदर आपको टाइप सी चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल जाता है. तो चलो अब जल्दी से इन दोनों का स्पेसिफिकेशन और फीचर्स के बारे में देख लेते हैं. इन दोनों ईयरबड के स्पेसिफिकेशन और इसके फीचर्स के बारे में बात करें तो पहले तो बात करते हैं यहाँ पे कनेक्टिविटी के बारे में. तो भाई boAt के अंदर मतलब जो 421v2 ईयरबड्स है इसके अंदर आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वर्जन 5 देखने को मिल जाते हैं और यहाँ पे जो इसके कनेक्टिविटी की रेंज है वो आपको यहाँ पे अप टू 10 मीटर तक के देखने को मिल जाते हैं. जबकि Probuds 2 के अंदर आपको ऑलमोस्ट सेम ही ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वर्जन 5 और कनेक्टिविटी रेंज भी आपको यहाँ पे अप टू 10 मीटर तक की देखने को मिल जाती है. अभी की फिलहाल की टेक्नोलॉजी के मुताबिक भाई हर एक ईयरबड्स के अंदर आपको कनेक्टिविटी वर्जन 5 ही देखने को मिल जाती है और कनेक्टिविटी रेंज हर एक ईयरबड्स के अंदर आपको 10 मीटर तक की तो मिली जाती है. अब साथ में यहाँ पे इन दोनों के IPX रेटिंग के बारे में बात करें तो भाई 421v2 के अंदर आपको IPX6 सर्टिफाइड मिल जाता है. अभी की टेक्नोलॉजी के मुताबिक काफ़ी अच्छा जो IPX6 सर्टिफाइड मिलता है वो अच्छी बात है. लेकिन यहाँ पे फिर भी ये 100% वाटरप्रूफ नहीं है. इसके साथ आप वाटर रेजिस्टेंट और स्वेट प्रूफ आपको यहाँ पे ईयरबड्स देखने को मिल जाते हैं. जबकि Probuds 2 के अंदर आपको IPX5 सर्टिफाइड मिलता है, फिर भी इसके अंदर आपको वाटर रेजिस्टेंट और साथ में स्वेट प्रूफ आपको ये ईयरबड्स भी देखने को मिल जाए. मतलब ऑलमोस्ट जो टेक्नोलॉजी में डिफरेंस है तो इसके अंदर अपग्रेड है भाई. IPX6 अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है और इसके 8-9 महीना हो चुका है ऑलरेडी. तो फिर इसके अंदर आपको IPX5 भाई दोनों में ऑलमोस्ट सेम ही जो फीचर्स वर्क करता है भाई. दोनों वाटर रेजिस्टेंट है और स्वेट प्रूफ आपको मिल जाता है. इसमें से दोनों में से कोई भी एक वाटर प्रूफ तो है नहीं. मतलब मेरे ख्याल से दोनों इस पॉइंट ऑफ व्यू सेम ही है. और इसके साथ में दोनों ईयरबड्स के अंदर आपको IWP मतलब इंस्टेंट वैक एंड पेयर का फीचर्स देखने को मिल जाता है. मतलब कि ये फीचर्स इस तरीके से वर्क करता है, जैसे आप चार्जिंग केस को ओपन करते हो तो रिसेंटली जिस डिवाइस के साथ अपने जो ईयरबड्स कनेक्ट थे वो डिवाइस में अगर ब्लूटूथ ऑन है तो एज सून एज पॉसिबल उसके साथ कनेक्ट हो जाता है. जो एक IWP जो है टेक्नोलॉजी है ये दोनों ईयरबड्स के अंदर देखने को मिल जाता है, जो एक काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी आपको इस प्राइस रेंज में देखने को मिल जाती है. और हाँ, इसके अलावा यहाँ पे आपको इन दोनों में से किसी भी ईयरबड्स के अंदर इन ईयर डिटेक्शन देखने को नहीं मिलता. मतलब कि जैसे ही अपने कानों में कोई म्यूजिक वगैरह प्ले करते हो, जैसे कानों में से ईयरबड्स को बाहर निकालते हो तो यहाँ पे म्यूजिक प्ले पॉज नहीं होता है. तो ये टेक्नोलॉजी अभी मेरे ख्याल से अंडर 2000 के आसपास मतलब 1500-2000 के बीच के ईयरबड्स के अंदर होनी चाहिए. लेकिन फिलहाल अभी तक कोई इस टाइप की टेक्नोलॉजी इस ईयरबड्स के अंदर दोनों में से नहीं है. तो फाइनली अब बात करते हैं यहाँ पे इन दोनों के बैटरी कैपेसिटी के बारे में. तो यहाँ पे 421v2 के अंदर आपको टोटल 42 आवर्स का प्लेबैक टाइम देखने को मिल जाता है, जो एक काफ़ी तगड़ी मॉन्स्टर पावर बैक के साथ आपको ये मिलता है. और गाइज यहाँ पे आप इस ईयरबड्स को सिंगल चार्ज करते हो तो आपको यहाँ पे अप टू 7 आवर्स का प्लेबैक टाइम मिल जाता है. लेकिन हाँ, यहाँ पे इसका जो वॉल्यूम है वो 70-80% वॉल्यूम पे अगर आप इसको प्ले करते हो तो आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट 6-6.5 घंटे तक का प्लेबैक टाइम मिल जाता है. जबकि Probuds 2 के अंदर आपको टोटल 23 आवर्स मतलब कि 421 से कंप्लीट 50% भाई आपको यहाँ पे मिलते हैं. मतलब 23 आवर्स का प्लेबैक टाइम मिलता है. और यहाँ पे जो Probuds 2 को सिंगल चार्ज करते हो ईयरबड्स को तो आपको यहाँ पे अप टू 5 आवर्स का प्लेबैक टाइम मिलता है. और वो भी 70-80% वॉल्यूम पे अगर आप इसको प्ले करते हो तो 4-4.5 घंटे का प्लेबैक टाइम यहाँ पे आपको मिल जाएगा, जो भाई दोनों के प्राइस ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी बात है.
यहाँ पे थोड़ा सा जो बैटरी बैकअप था वो इंक्रीज कर दिया होता तो अच्छा था, ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 36 या 30 या 40 आवर्स का प्लेबैक टाइम टोटल मिल जाता तो भाई काफ़ी अच्छा ये प्रोडक्ट भी बन जाता। लेकिन यहाँ पे इस बैटरी के पॉइंट ऑफ व्यू भाई मैं तो आपको यहाँ पे बोट 421v2 ही अभी तो इसको रेकमेंडेड करता हूँ। तो इन दोनों के पर्टिकुलर साउंड एक्सपीरियंस के बारे में बात करें तो भाई मैं यहाँ पे इसके लाइव साउंड एक्सपीरियंस करके नहीं दिखाऊंगा, आपको ऐसे आइडिया भी नहीं आएगा, इसलिए इन दोनों का पर्टिकुलर अनबॉक्सिंग वीडियो में मैंने साउंड टेस्ट ऑलरेडी कर दिया, आप वहाँ से भी इसको देख सकते हो। अदरवाइज हम अभी तो यहाँ पे इसका नॉर्मल साउंड एक्सपीरियंस ही ले लेते हैं। तो भाई बोट की ओर से आने वाला बोट 421v2 जो ईयरबड्स है इसके अंदर आपको साउंड एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा तगड़ा देखने को मिल जाता है, बेस क्वालिटी एकदम परफेक्ट आपको मिल जाती है और इसके साथ साथ आपको यहाँ पे इसके जो ट्रबल मिड्स हाइज एंड लोज है वो एकदम परफेक्टली वर्क करते हैं, मतलब कि साउंड एक्सपीरियंस के मुताबिक ये स्पीक जो ईयरबड्स है वो काफ़ी बेस्ट रहने वाला है। जबकि बोट मतलब Probuds 2 जो एक ईयरबड्स है इसके अंदर आपको साउंड एक्सपीरियंस में थोड़ी सी लाउडनेस मुझे कम लगी है इसके मुकाबले, बोट कंपनी के मुकाबले थोड़ी सी मुझे लाउडनेस कम लगी है। अदरवाइज यहाँ पे इसकी जो बेस क्वालिटी वो भी आपको एवरेज देखने को मिल जाती है और इसके अलावा यहाँ पे इसका जो मिड्स हाइज एंड लोज है वो भी एकदम परफेक्टली वर्क करता है। और साथ में आप लोगों का ये भी क्वेश्चन रहेगा कि अगर भाई हम इस ईयरबड्स के साथ गेमिंग वगैरह कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, भाई दोनों ईयरबड्स के साथ अगर आप नॉर्मल प्लेयर हो तो आप कर सकते हो, लेकिन अगर आप प्रो प्लेयर्स हो तो आपको बोट एयरडोस 421v2 के अंदर बीस्ट मोड मतलब कि गेमिंग मोड का फीचर्स देखने को मिल जाता है जो एक काफ़ी अच्छा फीचर्स है। इसके अंदर आपको काफ़ी लो लेटेंसी के साथ गेम वगैरह प्ले कर सकते हो। अगर आप भाई नॉर्मल रेगुलर गेम वगैरह प्ले नहीं करते हो और आपका जो बजट है 1500 रुपीज़ के आसपास है तो आप ए ईयरबड्स मतलब प्रोबड्स 2 बाय लावा ये भी परचेस कर सकते हो। और साथ में गाइज यहाँ पे जो मैं इसके मेन फीचर्स के बारे में बात करूँ तो भाई इसमें कभी कभी गिरने के थोड़े बहुत चांसेस आपको लगते हैं, लेकिन ये भी सिक्योर फिट के साथ मिल जाता है। जबकि बोट 421v2 के अंदर आपको मैग्नेटिक ईयर हुक देखने को मिल जाता है, अगर आप ड्राइविंग कर रहे हो या फिर कुछ एक्टिविटीज़ रनिंग वगैरह कुछ कर रहे हो तो आप इस मैग्नेटिक ईयर हुक के साथ इसका यूज़ करते हो तो भाई कोई टेंशन नहीं रहने वाली, अपनी एक्टिविटीज़ भी काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क कर सकते हो और साथ में कंफर्टेबली और सिक्योर फिट के साथ ईयरबड्स का यूज़ भी कर सकते हो। इन दोनों ईयरबड्स के हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूँ मतलब कि बिल्ड एंड क्वालिटी फीचर्स साउंड एक्सपीरियंस और इसके साथ साथ बैटरी कैपेसिटी, इन चार पॉइंट को मिला के मैं यहाँ पर अगर आपको कोई दोनों में से एक ईयरबड सजेस्ट करना चाहूँ तो भाई मैं तो आपको यहाँ पे बोट एयरडोस 421v2 सजेस्ट करने वाला हूँ और हाईली रिकमेंड करता हूँ। अगर आपका बजट 2000 के आसपास है तो भाई यही ईयरबड परचेस कीजिए, काफ़ी अच्छा है और रिसेंटली लॉन्च हुआ है, अच्छी टेक्नोलॉजी IPX6 रेटिंग के साथ आता है, बिल्ड एंड क्वालिटी तगड़ी है, साउंड एक्सपीरियंस भी आपको ऑलमोस्ट काफ़ी अच्छा मिल जाता है और इसके साथ साथ यहाँ पे इसकी जो बैटरी बैकअप है वो आपको यहाँ पे 42 आवर्स मतलब ऑलमोस्ट 40 आवर्स की प्लेबैक टाइम तो आपको यहाँ पे मिली जाती है। और अगर आपका भाई बजट पे 1500 रुपीज़ के आसपास है तो भाई फालतू के 500 रुपीज़ ज़्यादा डालना भी ज़रूरी नहीं है, 23 आवर्स का प्लेबैक टाइम मिल जाता है मतलब वन डे तो आप इसका यूज़ कर ही सकते हो और इसके अलावा यहाँ पे भी आप नॉर्मल गेमिंग वगैरह कर सकते हो। अगर आपका मेन गेमिंग पर्पस से ही परचेस करना है तो भाई बोट एडोस 421v2 भी आप परचेस कर सकते हो। मैं तो आपको हाईली रेकमेंड करता हूँ अगर आपका बजट 2000 के आसपास है तो यही ईयरबड परचेस कीजिए। तो आज का वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं और आज का वीडियो जरा सा भी आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, साथ में अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए क्योंकि इसी तरीके की हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे।